दोस्तों, आप APIs नेक्स्ट सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट के लिए मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया है, तो चलो आपको दिखाते हैं। इसमें हमारे पास API है, CRUD API। तो ये हमने ENV फाइल बनाया अपना और ये हमने अपना URL दे दिया। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम नेक्स्ट को सेटअप करते हैं। तो आप उसके डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद सबसे पहले आप करेंगे npm ig, ये कमांड रन करेंगे। उसके बाद आप अपना नेक्स्ट न्यू प्रोजेक्ट ले सकते हैं, जो भी प्रोजेक्ट ले रहा है। ये स्ट्रक्चर होता है उसका, src app controller module main ts, जिसमें main ts जो है उसके अंदर आपकी मेन फाइल होती है, जिसमें आप क्रिएट करते हैं इंस्टेंस वगैरह। मॉड्यूल, जिसमें आप सारे रूट्स क्रिएट करते हैं। कंट्रोलर, जिसके अंदर आप बेसिक सिंपल रूट्स डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर होता है रन करने के लिए। npm रन स्टार्ट करके रन करते हैं उसको। तो ये आपका एक बेसिक है, इसमें आप जा सकते हैं। कंट्रोलर है, ये सब आप जाके रीड कर सकते हैं किस तरह से इनके स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरह से कंट्रोलर है, प्रोवाइडर है, मॉड्यूल है, मिडलवेयर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो, एक्सेप्शन फिल्टर्स हैं, पाइप्स हैं, गार्ड्स हैं, इंटरसेप्टर हैं एंड कस्टम डेकोरेटर्स। कस्टम डेकोरेटर्स बहुत यूज़ किए जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से देखें। और गार्ड्स भी, जैसे JWT टोकन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उन समय गार्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो चलो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये कैसे सेटअप किया है अपना प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट सेटअप करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना package.json, वो सब कुछ आपको उसी कमांड के थ्रू क्रिएट हो जाएगा। मैंने सबसे पहले env बनाया, ठीक है। env के अंदर मेरी सबसे पहले फाइल आती है main.ts, तो main.ts को मैंने ये इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया और उसके अंदर मैंने मॉड्यूल भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और मेरा ये किस पर चल रहा है, 5000 पोर्ट पर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं सर्विस पर। ये मेन हमारी फाइल्स हैं, जो सो हेलो वर्ड करके आप चेक कर सकते हो कि आपका सेटअप हुआ है नहीं हुआ है। ये है आपका, जैसे मैंने इसको db का url दिया हुआ है जो env के अंदर दिया है। मैंने मोंगूस के साथ किया है, आप लोग उसको पोस्टग्रेस SQL जिसके साथ भी चाहें उसके साथ अटैच कर सकते हैं। ऊपर मैंने इसको कॉल किया है और उसको एक मॉड्यूल बनाया है। अब चलते हैं हम कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर में हमने सिर्फ डायरेक्टली गेट ये दिया है। अगर आप क्लिक करके देखेंगे तो आप ये यहाँ से उसी फंक्शन पर, सर्विस पर पहुँच जाएंगे। मेनली कंट्रोलर तो फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसके अंदर जो भी होता है उसको हम फिर सर्विस में ले जाते हैं। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ आपको अपनी सर्विस, कि मैंने एक बुक का एग्जांपल सेट किया है, वो वाला मैंने कैसे बनाया। तो देखो, इसके अंदर होता है DTO, डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट, ये क्रिएट करना होता है, जिसमें मैंने क्रिएट बुक के लिए ये इस तरह से बनाया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, प्राइस, कैटेगरी। ऐसे ही सेम मैंने दिया है यहाँ पर, अपडेट करने के लिए वही सारे फील्ड्स दे दिए। ये होता है आपका स्कीमा, एक होता है DTA फोल्डर। बुक के अंदर आया, आप स्ट्रक्चर को ज़्यादा फॉलो करें, मेन है स्ट्रक्चर का काम। बुक, बुक के अंदर है मेरा DTO के, और DTO ऐसे ही उसी तरह का फोल्डर है मेरा स्कीमा। स्कीमा के अंदर मैंने थोड़ा डिफाइन किया किस तरह का स्कीमा है मेरा, तो इसको आप यहाँ पर अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ये आपके वही डेकोरेटर्स हो गए, प्रॉप्स हो गए, तो ये आपके प्रॉप्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये DTO और ये सब मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं, वही स्ट्रक्चर वही है, सर्विस है, मॉड्यूल है और कंट्रोलर है। सबसे पहले चलते हैं कंट्रोलर के पास। तो इस तरह से इसको इंपोर्ट किया जाता है Next.js से। ये सारी चीज़ें आप उसको इंपोर्ट कर देंगे जब जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, ये नहीं है सारे लगा दें, जिसकी ज़रूरत है उस तरह से आप ले सकते हैं। मैंने book.service को यहाँ पर इम्पोर्ट किया है, स्कीमा को इम्पोर्ट किया है, और यहाँ पर मैंने DTOs क्रिएट और अपडेट वाले इम्पोर्ट किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो मैंने क्या किया है, कंट्रोलर्स इसको नाम दिया है मैंने बुक्स, ठीक है, कंट्रोलर है मेरा। मैंने इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिफाइन कर दिया। देन सबसे पहले मुझे गेट करना है, तो ये रहे मेरे डेकोरेटर्स। जैसे मुझे गेट ऑल बुक्स करना है, ठीक है, तो गेट ऑल बुक्स का हो गया। इसके अंदर जाते हैं इस पर क्लिक करके, और देखो यहाँ पर मुझे मेरा गेट ऑल का फंक्शन मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने मोंगूस से इसको इंजेक्ट किया हुआ है, पूरा इंजेक्ट का लिखा हुआ है। जो जो चीज़ें मुझे कॉल करने की ज़रूरत है वो कॉल किया है, स्कीमा किया है। यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको बुक प्रॉमिस मैंने सेट किया है, उसके बाद मैंने बुक्स दिया है। बुक्स में क्या है कि बुक डॉट मॉडल जो मैंने ऊपर डिफाइंड किया है, और
यहाँ पर, और उसके बाद उसको मैंने फाइंड किया है, तो मुझे इसका डेटा रिकॉर्ड ला के दे देगा। इसके बाद ये है मेरा मॉड्यूल, ये है सर्विस, ठीक है। तो ये मैंने क्रिएट के लिए किया है, आप आपको मैं दिखा सकती हूँ, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा गेट, ये हो गया मेरा क्रिएट। क्रिएट में मैंने यहाँ से क्रिएट बुक डीटीओ दिया है, तो बुक डीटीओ, डीटीओ में जितनी सारी चीज़ें होंगी उसके बेसिस पर ये मुझे रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा। ये है मेरा नेक्स्ट गेट एपीआई बाय आईडी, ये है मेरा पुट, पुट मतलब अपडेट मेथड, और ये हो गया मेरा डिलीट वन, ठीक है। इसी के बेस पर मैंने यहाँ पर अपना, ये तो मैंने मॉड्यूल सेट किया था अपना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सर्विस दिखाती हूँ। सर्विस में मेरा क्या है, फाइंड ऑल, वही क्रिएट के लिए मेरा हेरा जो भी आएगा वो मेरा यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। फाइंड वन, जो मेरा रिकॉर्ड फाइंड हो रहा है, नहीं फाइंड हो रहा है तो बुक नॉट फाउंड मेरा एसेस प्रोवाइड कर देगा। ये है अपडेट बाय आईडी, अगर मुझे अपडेट करना है अपना तो ये मेरा इस तरह से अपडेट हो जाएगा रिकॉर्ड, और ये हमारा डायरेक्ट मॉड्यूल्स पे ले जाएगा जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। रन वैलिडेटर्स और ये सब मैंने यूज़ किया है, यहाँ पर मेरा डिलीट हो गया तो मैं यहाँ से रिकॉर्ड को डिलीट कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप एक अपना करड ऑपरेशंस बना सकते हैं। मैं एक बार और अच्छे से दिखा देती हूँ कि आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से। तो ये पूरा है आपका, ठीक है, आप पॉज कर करके अपना चेक कर सकते हैं। ये मेरा मॉड्यूल हो गया, ये मेरा कंट्रोलर हो गया, ठीक है, और ये मैंने आपको दिखाया था ऐप कंट्रोलर, ऐप मॉड्यूल, ऐप सर्विस, ये सब क्रिएट हो जाते हैं जब हम उसको क्रिएट करते हैं कमांड के थ्रू, प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको, आपको उसको इस पर रन कैसे करना है। तो देखो, आपको सबसे पहले इसको रन करना है, तो आपको सिर्फ इसको गेट करना है, तो गेट के लिए आप ये वाली एपीआई यूज़ कर सकते हैं। आपको क्रिएट करना है, तो क्रिएट के लिए मैंने तीन चार फील्ड्स अपने दिए हैं। मैंने एक बुक लाइब्रेरी का दिया है, जैसे टाइटल दे दिया, डिस्क्रिप्शन, ये सब। इस तरह से आप फील्ड्स बॉडी के अंदर रॉ में जाके दे सकते हैं, तो ये आपको पूरा ये मिल जाएगा। गेट में जाते हैं, तो अगर आपको पर्टिकुलर आईडी आपने यहाँ दे दी, जो आईडी आपको यहाँ मिली होगी क्रिएट करने के टाइम में, वो आईडी आपने यहाँ दे दी, तो यहाँ देने के बाद उस आईडी से रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। जब आप पुट करते हैं, पुट मतलब कोई अपडेट कर रहे हैं, तो आप उसका नाम देके उसको अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड को, और डिलीट में जो रिकॉर्ड डिलीट करना है उसकी आईडी देके आप सिंपली डिलीट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक पूरा सेट बताया कि पोस्टमैन में आप इसको कैसे रन कर सकते हैं, और छोटा सा करड ऑपरेशन नेक्स्ट जीएस के साथ में। तो अगली वीडियो जो मेरी मिलेगी वो आपको मिलेगी कि इस एपीआई को इंटीग्रेट कैसे करना है फ्रंट एंड के साथ में। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।